हम लोग जब भी पासबुक प्रिंट करने जाते हैं तो एक एरर दे देता है, पासबुक प्रिंटर सीरियल नंबर नॉट मैच। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस एरर को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं हूं पंकज कुमार, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको नीचे टाइप करना होगा सर्विसेज, SERVICES, उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में पी प्रेस करना है। पी प्रेस करते ही आपके सामने प्री सर्विस आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके वहाँ कोने में रीस्टार्ट का बटन है, रीस्टार्ट कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने में रीस्टार्ट होना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रीस्टार्ट मेरा हो चुका। अब इसको हम मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करके उसके बाद हम फिर पासबुक अपना अपने प्रिंटर में डालेंगे और प्रिंट करके आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको पासबुक प्रिंट करके अब दिखाते हैं क्या एरर फिर से आता है या नहीं आता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम SBI अदर सर्विस में जा करके अपना पासबुक प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका पासबुक मूव होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका बारकोड स्कैन हो चुका है। बारकोड स्कैन होते ही मेरा पासबुक प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से आप अपने पासबुक प्रिंटर में जो भी एरर आते हैं, प्रिंटर सीरियल नंबर नॉट मैच या ECS कनेक्टिविटी टाइम आउट, दोनों को आप रीचेक सर्विस को रीस्टार्ट करके ठीक कर सकते हैं और अपने CSP पोर्टल पे पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।